झंडा है हाँ। वो लड़ाएंगे हाँ। ये बीजेपी जी उसका बरोबर झंडा उठा रही है जी, उससे विरोध करा, काला झंडा दिखाएंगे। अच्छा क्यों? तिरंगा जाएगी तो हमारी जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देश आजाद कराने के लिए भी जाने का काम किया है तो आप भी करेंगे, कोई बात नहीं है, आप भी करेंगे। मरने के लिए तो हम तैयार हैं। अच्छा डरते नहीं? नहीं नहीं डर कोई नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। दोस्तों कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि किसान अगर नहीं होता तो हमारे जो अन्नदाता लोग कहते हैं, अगर अन्नदाता नहीं होता तो हम लाख करोड़ों रुपए कमा कर भी हार जाते। आज मैं आप लोगों से रूबरू कराने जा रहा हूँ जो आंदोलन में बैठकर आंदोलनकारी बने और आंदोलन में न जाने कितने किसानों का साथ दिया। हम हैं इस वक्त जिंद जिला में, हरियाणा में है और हरियाणा के किसान से मैं बात करता हूं। ये अभी हाले तुरंत आए हैं किसान आंदोलन से, तो मैं जानना चाहता हूं कि अब तक किसान धीरे धीरे एक सत्र होने जा रहा है, एक सत्र में किसान अब तक क्या किए और किसान डटे रहेंगे या फिर हट जाएंगे। मैं इनसे बात करता हूं, आप देख रहे हैं, पहले तो ये देख लीजिए हरियाणा की आन बान शान जिसे लोग कहते हैं, ये है हुक्का, और हुक्का हमारे किसान लीडर इसको आराम से ले रहे हैं, आप समझ सकते हैं। पहले तो आपका स्वागत है जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्यवान सिंह। प्रधान है आप? ना जी बस वैसे हाँ। अच्छा जी, मतलब आप गए थे आंदोलन में? हाँ गए थे जी। आंदोलन में आप जब गए थे तो आंदोलन में आज एक सत्र धीरे धीरे होने जा रहा है और मोदी जी कह रहे हैं कि हम कानून को, जो काले तीन काले कानून है उसको वापस नहीं करेंगे, तो उसमें आप क्या करेंगे? कहेंगे जी हमें वापस जाएंगे कानून। अरे इतना हमें उठानेंगे से हमारी जान चली जाएगी। अरे वापिस नहीं उठाऊंगे हाँ। कुछ भी हो जियो चाहे सारा बच्चा बच्चा मर जियो। अच्छा वापिस नहीं आऊंगा हाँ। देख लीजिए भैया कह रहे हैं कि किसान कुछ भी हो जाएगा लेकिन वापस हम नहीं जाएंगे, चाहे क्यों ना मेरी जान चली जाए। अच्छा ये क्या लगता है दादाजी आपको कि ये भारत सरकार मोदी जी आप लोग की बातों को मान जाएंगे? मानेंगे मानेंगे जी, बड़े बड़े मानेंगे, रावण और मानेंगे जी, गुदड़ी क्या है। अरे क्यों ऐसा क्यों कहे? प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री ऐसा बोलेंगे तो जेल जाएंगे, जाएंगे तो मामे जेल से नहीं रुकते। अरे जाने दो, चाहे बच्चा बच्चा चले जाइयो, मामे घुटते नहीं था। हाँ जी जेल जाने से डरते नहीं? नहीं डरते। कभी जेल गए हैं कि नहीं? कभी जेल गए हैं कि नहीं? गए हाँ, चल दे रहा कहीं से। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और मैं कमी बता दूं कि हरियाणा ही पंजाब क्यों बॉर्डर पे है और अदर राज्य के भी लोग हैं कि बस हरियाणा पंजाब है? हरियाणा पंजाब न्यू है जी, ये अपना देश अन्नदाता सबसे बड़ा क्षेत्र है जी, सबको ये दे रहा है जी खाने पीने के जी। ये बेचारा भूखा बैठा है जी, जिसका कोई चीज का भाव नहीं जी, कोई चीज का कुछ नहीं, जिसको कोई चीज को इसको तो बहुत परेशान करके जी, कुछ नहीं मिलता। मामू खात है, खात भी 50 किलो का आता था जी, 45 किलो का कर दिया, सरसों का तेल है जी, 300 रुपये कर दिया जी, सारा सौदा दाल है दाल कर दी, सब चीज मंगाई मंगाई, महंगाई चरम सीमा पे है आप भी समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं है कि जिसको महंगाई से कोई परे नहीं है, सभी लोग जानते हैं महंगाई बढ़ती जा रही है और किसानों का जितना मान लीजिए कि जो किसान काम करते हैं वो घटता जा रहा है, इसमें आप क्या करें? किसान और क्या करेगा जी, किसान किसान का तो कुछ करना तो है नहीं, सब कुछ ही बैठे हैं सारा हम। माँ में तो वापिस थोड़े रंग इतना उठते नहीं, मारी मांग नहीं बढ़ेगी भाई, ये काम हमारे तीन कानून वापिस दो और मांगो। क्या लगता है आपको कि काले कानून, जो तीन काले कानून वापस करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? करेंगे क्या, करने पड़ेंगे। अरे एक सत्र तो साल में दो साल में कभी तो करेगा, एक सत्र हो गया धीरे धीरे लेकिन नहीं किए तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे फिर, लाठीचार्ज करेंगे? अरे जेल जाएंगे, जेल जाएंगे, कितने जेल? 15 अगस्त आने वाला है, लोग बताते हैं कि 15 अगस्त को कुछ अलग किसान करने जा रहे हैं, तो क्या करने जाएंगे? हमारा जो तिरंगा झंडा है हाँ, वो लड़ाएंगे हाँ, ये बीजेपी जी उसका बरोबर झंडा उठा रही है जी, उससे विरोध करा, काला झंडा दिखाएंगे। अच्छा क्यों? तिरंगा आप लोग लहरने नहीं देंगे? तिरंगा नहीं लहरेगा? लड़ाएंगे हम तो लड़ाएंगे। अच्छा मोदी जी उसका झंडा ले रहा है बीजेपी का, साथ में उसका रखेगा नहीं झंडा, हमें काले झंडे दिखाएंगे। अभी काल कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था कि आप लोग झंडा लहराए तो उसमें लोग बताते थे कि पंजाब के लोग
खालिस्तानी झंडा ला रहा था, इसमें आप क्या कहें? खालिस्तान में जो मतलब तिरंगा चढ़ाएंगे पंजाबी को। अच्छा हाँ, कोई खालिस्तान का कोई झंडा झंडा नहीं। अच्छा पहले आऊंगे अच्छा बस ये हमारे 15 तारीख को आप लोग झंडा लहराएंगे? हाँ झंडा लहराएंगे। मानेंगे नहीं? हाँ। तो मोदी भी लहराएंगे? मोदी देखो भी लहराएगा ना लहराएगा हमने क्या पता। हाँ। जो ठीक लहराएगा तो अपना झंडा लहरा लेगा, जो उसका झंडा लिया हुआ नहीं बीजेपी का जी। साथ में जी। फिर उसको लहराने नहीं जाऊंगा। अरे देख लीजिए भैया, यही है जवान और यही है किसान। अगर देखा जाए तो 93% 93% भारत को आजाद करने में अपना पंजाब और हरियाणा ने अपना दायित्व निभाया है, और आज यही कभी जवान बन के दायित्व निभाता है तो कभी किसान बन के दायित्व निभाता है। लेकिन आज किसान क्यों परेशान है आप देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, उधर दिखाओ अंकल, ये जा रहा है, बग्घी है, बग्घी लोग दिखाते हैं, बहुत काफी है, ऐसे लोग यहाँ के लोग करते हैं बहुत। पंजाब के साथ और हरियाणा के साथ दोनों एक जगह है, वजह क्या है कि ये दोनों बड़े भाई बड़े छोटे भाई हुआ करते हैं। सरदार जी क्या है जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें आप? अरे नहीं वापस कर दो, जो मर्जी हो मर्जी करने वाले टिकट पहले भी करवानी है, जिसके तो भी जाएंगे नहीं। अरे ऐसा क्यों करें, मोदी को क्यों मारने, मोदी को मारने के लिए राजा मोदी हमने बनाया, किसी ने थोड़ा बनाया। अच्छा तो सानू तंग करता, फिर अभी क्या करना होते? क्या लगता है आपको कि मोदी जी मान जाएंगे, सरकार मान जाएगा? मनाएंगे, मनाएंगे, मानेगा नहीं, मनाएंगे। गाना गाइए, जो तीन काले कानून है ये क्या सच में सही है कि गलत है? सही है। हाँ। वो तो जनता के लिए तो गलत है, उनके लिए तो सही है ना। हाँ। जैसे कंपनियों ने उसको खरीद लिया प्रधानमंत्री को, तो सानू भी खरीदना चाहती है। अच्छा। बेचना नहीं चाहूंगा, बेच नहीं सकते, अभी प्रधानमंत्री का विरोध करा। 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त को हमारे किले पे झंडा लहराया जाएगा, तिरंगा फिर से लहराया जाएगा, तो उसमें आप क्या करें? लहराएंगे, और कोई झंडा नहीं लहराने देंगे, अपना तिरंगा लहराएंगे। उसमें कई लोगों की पहले जाने चली गई, आप ये देखें 26 जनवरी को कई लोगों की जाने चली, इस बार भी क्या जाने जाएंगी? कोई बात नहीं, जाएगी तो जान जाएगी तो हमारी जाएगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने देश आजाद कराने के लिए भी जाने प्रदान की है, तो आप भी करेंगे, कोई बात नहीं है, आप भी करेंगे, मरने के लिए तो हम तैयार हैं। अच्छा डरते नहीं? नहीं नहीं, डर कोई नहीं है। 15 तारीख को झंडा लहरेगा, शांत से लहरेगा या फिर क्रांतिकारी बन के लहरेगा, कैसे झंडा लहरेगा? क्रांतिकारी। अच्छा क्रांतिकारी झंडा। तो क्या लगता है कि 15 तारीख को हम हमारा जो तीन काले कानून है वापस ले लेगा? वापस ले या ना ले उसको लेने पड़ेंगे, कहाँ जाएंगे घर में जी? नहीं वापस नहीं जाएंगे, यही बैठेंगे। अच्छा भैया देख लीजिए, हमारे बीच में पंजाब और हरियाणा के लोग जो कि गड़गड़ा भी देख लीजिए, गड़गड़ा लोग गड़गड़ा पी रहे हैं, कैसा बात हो रहा है आपको? बहुत अच्छा है जी। अच्छा ये क्यों, मतलब इसमें नशा होता है या फिर ऐसे क्या? वैसे मनुष्य जुड़ गया हुआ है, दो आदमी बैठते हैं। अच्छा उसमें बात भी चल पड़ा है। अच्छा तो पहले तो लोग बताते थे कि जो मुखिया होता था उसी के घर में होता था, सबके घर में नहीं, लेकिन अब तो मैं देख रहा हूँ सबके घर में, सबके घर में हमारे, सबके घर में मिलेगा। ये कौन सा पिंड है? ये डुआना खेड़ा। डुआना खेड़ा कौन से जिले में आता है? जींद में। जींद में? तहसील, तहसील उचाना। अच्छा तो आप लोग मतलब हमेशा सुबह शाम लेते रहते हैं, कभी भी लेते रहते हैं इसको सुबह शाम यूज करते नहीं, कभी भी किसी टाइम भी पीस का नशा नहीं करता है? नशा नहीं करता। सेहत के लिए लाभदायक है क्या? लाभदायक है, लाभदायक है, ज्यादा तो है नहीं, एक दो का। अच्छा शाम सुबह एक दोपहर को तीन टाइम। देख लीजिए भैया कहीं ना कहीं है बहुत तमाम है, और आपको मैं दिखाता रहूंगा ऐसे तमाम वीडियो, चूंकि क्या होता है कि आप जानते हैं मैंने किसान आंदोलन में गया था, किसान आंदोलन को भी मैंने दिखाया, तरह तरह के लोग हैं, आज भी किसान डटे हुए हैं और किसान डटे रहेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।